हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। स्वागत है आप सबका आपके ही YouTube चैनल द लॉ ऑफ लेमैन पर। आज की ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये चैनल बनाने का मेरा पर्पस क्या है, इस चैनल पर मैं किस तरह की वीडियोस शेयर करता हूँ, एंड व्हाट ड्राइव मी टू क्रिएट दिस चैनल एंड मच मोर। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लॉ फील्ड में हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अक्सर इन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती थी। कभी किसी केस में एज अ रेफरेंस कोर्ट में ये जजमेंट साइट करना होता था, तो कभी किसी सेक्शंस या का इंटरप्रिटेशन समझने के लिए इन जजमेंट्स को रीड करना पड़ता था, और कभी किसी टेक्निकल डिस्कशंस को समझने के लिए इन जजमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती थी। और इन सब अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए इन्हें एक ही एफर्ट करना पड़ता था, और वो था रीडिंग। 30-40 पेज के जजमेंट्स रीड करने के नाम से ही इनमें से कुछ को तो नींद आने लगती थी। और रीडिंग मेरी हॉबी है, या यूँ कह लीजिए कि रीडिंग मेरा पैशन है। मैं इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्हें जजमेंट्स की समरी बनाकर देता था। पहले मैं इन समरीज को पेपर पर लिखता था, और अब इन पर वीडियोस बनाता हूँ। सो द पैशन ऑफ रीडिंग ड्राइव मी टू क्रिएट दिस चैनल। नाउ कुछ इस चैनल के पर्पस के बारे में भी बात करते हैं कि इस चैनल को बनाने का पर्पस क्या है और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो जिस तरह मेरे फ्रेंड्स को रीडिंग पसंद नहीं थी, आप में से भी बहुत से लोगों को रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर रीडिंग के लिए टाइम नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग लॉ स्टूडेंट होंगे, बहुत से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे, बट मेजॉरिटी तो लेमैन की होगी जिन्हें लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि मेरी हर समरी आपको एक स्टोरी फॉर्म में मिलेगी, जिसे टू एन एक्सटेंट आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ सेक्शंस और डेफिनेशंस का लेमैन वर्ड में इंटरप्रिटेशन करता हूँ, दोनों एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट को समराइज करता हूँ, और एंड में कोर्ट के फाइनल ऑर्डर या जजमेंट से कंक्लूड करता हूँ। इस चैनल को बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूँ, और इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को मीडियम बनाया है। और मेरे रीडिंग के इस पैशन को सिर्फ अपने तक रखने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बेटरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकूँ। अप टू एंड अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टू एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।